ओह गाइस, स्वागत है आपका हमारी ही नई वीडियो में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीधे से। आज की जो मेरे पास बाइक होने वाली है वो है हीरो की स्प्लेंडर प्लस ब्लैक एडिशन VS7। तो भाई, इसकी क्या प्राइस है, क्या माइलेज, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। आगे तक बने रहेगा वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो क्या करना, आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई साहब, वीडियो यहाँ पे उठी हुई एकदम शुरू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी हम फ्रंट लुक से। तो इसका जो फ्रंट लुक है भाई, तो इसका फ्रंट लुक सबसे पहले हमें हीरो स्प्लेंडर की भाई स्टिकर में मतलब ब्रांडिंग मिल जाती है वाइजर पे ब्लैक कलर की। ये गाड़ी बिल्कुल ब्लैक है, पूरा ब्लैक एडिशन ही है भाई। आगे 35 वाट की आपको हेलोजन हेडअप मिल जाती है चौकोर टाइप में। आपको रेड कैप में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, नीचे मडगार्ड ब्लैक कलर ग्लॉसी बने, काफी अच्छा दिया गया भाई। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के बिल्कुल ट्यूबलेस टायर, आपको मतलब ब्लैक कलर के एलोवील ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं आपको, बढ़िया वाले 80/18 का साइज। तो भाई, ये है कुछ आगे प्रोफाइल की बात। साइड प्रोफाइल लेफ्ट साइड की अगर बात करते हो तो नीचे यहाँ पे लेग गार्ड काफी बड़ा सा मिल जाता है, जो कि क्रोम फिनिश में दिया गया है भाई। यहाँ पे भाई आपको टैंक पे हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है स्टिकर में। और भाई, जो टैंक है वो 10 साढ़े 10 लीटर का टैंक साइज मिल जाता है इसके अंदर। नीचे पावर स्टार की आपको FI की भी ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी। 100 CC का इंजन आपको मिलता है 4 गियर बॉक्स के साथ में। नीचे से आउटकट ऑफ सेंसर का फीचर्स मिल जाता है। बाद बाकी यहाँ पे जो साइड पे भाई कॉल पे आपको स्प्लेंडर प्लस 3D में आपको बैजिंग मिल जाती है काफी बढ़िया सी I3S की ब्रांडिंग के साथ में। ये कुछ कहानी है भाई साइड प्रोफाइल की। आपको फुट रेस्ट वगैरह काफी बढ़िया सी मिल जाएंगे। सीट की बात करते हैं, काफ़ी अच्छी सीट कंफर्ट वाली मिल जाती है आपको, दो लोग आराम से बैठ जाएंगे। और मीटर कंसोल की अगर बात करते हैं, क्रोम फिनिश का हैंडल बार दिया गया है। और यहाँ पे राउंड शेप में आपको एनालॉग मीटर मिल जाता है। चार्जिंग पॉइंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे लेफ्ट इंडिकेटर हॉर्न और सेल्फ स्टार्ट का यहाँ पे बटन दिया गया है। E20 की ब्रांडिंग है यहाँ पे आपको। तो भाई, कुछ ये बात कहानी करते पीछे की, तो भाई आपको टेल लैंप कुछ मिल जाती है चौकोर टाइप में। पीछे कैरियल भी आपको बढ़िया सा क्रोम फिनिश में दिया गया है, जो कि हीरो अपनी गाड़ियों के अंदर यही लेके आ रहा है अब तक, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं है। पीछे कुछ ऐसा सीन है भाई। राइट साइड में आपको भाई सेम भाई सारी चीजें मिल जाती है। 3D में आपको स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग मिलती है। और आपको भाई इससे देखो, पीछे जो एग्जॉस्ट है उस पर क्रोम फिनिश की काफी बड़ी प्लेट मिलती है। पीछे का भी टायर आपको 100/18 का टायर मिल जाता है, ब्लैक कलर अलॉय व्हील के साथ में, ट्यूबलेस टायर है। तो ये कुछ कहानी है भाई। किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों बाइक ही आती है। तो ये देख लो भाई, आपको पसंद आएगी बाइक। और अगर इसकी प्राइस की अगर बात करते हैं हम, तो इसकी प्राइस जो निकल के आती है ऑन रोड प्राइस, अभी भाई एक जो मतलब जुलाई से इसकी प्राइस 1000-2000 रुपये बढ़ी है। तो इसकी जो प्राइस है भाई, अभी 91,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। कहीं कहीं हो जाएगा 90,000 तक मिल जाएगी गाड़ी। बाद में आप फाइनेंस वगैरह कराएंगे तो आपको और महंगी पड़ जाएगी। इसका जो माइलेज निकल के आता है वो 55 से 60 के बीच है भाई, इसका माइलेज निकल के आता है। ये काफ़ी अच्छी गाड़ी लगती है इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में। और भाई, और भी अगर आपको चाहिए, ब्लैक कलर नहीं चाहिए, तो और भी इसमें बहुत सारे कलर भर भर के आते हैं स्टिकर में, लेकिन इसमें स्टिकर आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूरी ब्लैक एडिशन है। मुझे पर्सनली अगर बात की जाए मेरी ओपिनियन की, तो मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है, ब्लैक एडिशन। तो आप बताओ नीचे कमेंट्स में, आप कौन सा वाला कलर खरीदना चाहेंगे और ये कैसी आपको बाइक लगी, तो वो भी नीचे कमेंट्स में बता देना। काफ़ी अच्छी बाइक है, लो मेंटेनेंस बजट बाइक है भाई, और सब कुछ इसमें मिल रहा है। मजबूती के मामले में नंबर 1 गाड़ी है, हीरो के नाम से बिकती है। तो आई होप वीडियो में ये था कुछ आज की वीडियो में। आई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो क्या करना, वो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो।